हम सब लोग आजकल अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं मेरे दोस्त। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, फिर चाहे वो बच्चे हो या घर के बड़े। रोज़ सुबह उठकर हम काम पर जाते हैं, दिन भर थक कर घर आते हैं, परिवार के साथ कुछ वक्त बैठकर फिर अगले दिन की तैयारियां करने लगते हैं। इसी तरह विद्यार्थियों को पढ़ाई चिंता सताती है, कभी परीक्षा तो कभी प्रोजेक्ट। रोज इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में कभी आपने ठहर के दो पल यह सोचा है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, या आपके जीवन का लक्ष्य क्या है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? सच कहूँ तो दोस्त, हम में से ज़्यादातर लोग ना तो अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और ना ही इसकी महत्ता को समझ पाते हैं, जबकि बिना लक्ष्य जीवन किसी काम का नहीं है। क्योंकि लक्ष्य वह कार्य होता है जिसके पूरा होने की इच्छा हम अपने दिल में दबाए रहते हैं, बस कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें असंभव या कठिन सा प्रतीत होता है। जबकि जीवन का लक्ष्य अगर सामने हो तो मेहनत करना अच्छा भी लगता है, आसान भी होता है और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात हमें मेहनत करने के लिए एक सही दिशा का ज्ञात भी होता है। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। उदाहरण के लिए आपको हम बताते हैं, एक विद्यार्थी के लिए कला सीखना, परीक्षा में प्रथम स्थान लाना, खेल के मैदान में जीत हासिल करना, माँ बाप को गौरवान्वित करना, एक कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति के लिए मेहनत कर प्रमोशन पाना, यह सब एक लक्ष्य ही है मेरे दोस्त। लक्ष्य की ओर पहला कदम। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी रुचि को ध्यान में रखें, अपने मन को कोई पाबंदियां ना लगाएं, अपने दिल को झकझोरें और जानने की प्रयास करें वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान ला सकती है। अगर आप ये जानते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी राहें खुल जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि आप अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे, क्या कुछ आपको उसके लिए चाहिए होगा, बस ये तय कीजिए कि आपको क्या करने में खुशी मिलेगी और उस वक्त के लिए एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए जो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ता, उसे हासिल करना होती है। कई बार वह गिरता है, कई बार रोता है, पर उस चीज़ को पाकर ही रहता है और उसे हासिल करने के बाद उसका चेहरा खिल जाता है, चमक उठता है।